नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी पीएनबी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में है, तो यह वीडियो आपके लिए है। जो पीएनबी का पीएनबी एम पासबुक जो एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट का डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे पीएनबी। यहाँ पे टाइप करेंगे पीएनबी एम पासबुक। तो यहाँ पे पीएनबी एम पासबुक आ चुका है, तो इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर दें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो जिस लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, हिंदी यानी इंग्लिश। हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपसे कस्टमर आईडी मांगा जाता है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं, तो आपका कस्टमर आईडी आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। अगर आपके पासबुक पर भी नहीं लिखा हुआ, तो जो टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, वो आपको कस्टमर आईडी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पहले कस्टमर आईडी डालेंगे। उसका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने का जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे डाल दें और फिर प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद आपको सेट एम पिन डालने के लिए बोल रहा था, जो 4 डिजिट का आप सेट पिन बनाइए, जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट का सेट पिन बना लें, जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। फिर सेट पिन कर दें, सेट एम पिन पर क्लिक कर दें। सेट पिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग फिर अपना जो सेट पिन अभी हमने बनाया है एम पिन, वो पिन यहाँ डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लिखता है वेलकम अविनाश, लास्ट लॉगिन डेट लिख रहा है, टाइम लिख रहा है, सब चीज़ लिख रहा है। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिख रहा है। आपको 10 लास्ट 10 ट्रांजेक्शन का मिनी स्टेटमेंट चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। ये मिनी स्टेटमेंट है। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो डेबिट का ही देख सकते हैं, सिर्फ कि डेबिट कितना होगा। क्रेडिट कार्ड देखना चाहते हैं तो क्रेडिट का भी देख सकते हैं। और बोथ कर दीजिएगा तो दोनों आपको दिखाएगा, डेबिट क्रेडिट सारा। बैक करते हैं और यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट के थ्रू आप स्टेटमेंट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम डेट सेलेक्ट कर ले, टू डेट सेलेक्ट कर ले, मैक्सिमम 90 दिन का ही कर सकते हैं। तो नो डाटा, कोई डाटा नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। हम लोग बैक करते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ चुका है। और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओल्ड डेट फर्स्ट और लेटेस्ट फर्स्ट इसे सेट कर सकते हैं। ओल्ड डेट फर्स्ट, लेटेस्ट फर्स्ट फिल्टर भी यहाँ से कर सकते हैं, आपको कौन सा डाटा चाहिए। और यहाँ नीचे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इधर कुछ नहीं, होम है, डाउनलोड स्टेटमेंट। जब जब आप डाउनलोड किया जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड जो होगा यहाँ पे शो होगा। कॉर्पोरेट वेबसाइट है और कुछ नहीं है। चेंज एम पिन है, ओल्ड एम पिन डालिएगा, उसका न्यू पिन एम पिन डालिएगा और फिर कन्फर्म एम पिन डालिएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। और कोई इसमें डिटेल नहीं है। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अकाउंट का डिटेल आपको ही शो होता है। लॉग आउट कर देते हैं। अगर आप पिन भूल जाते हैं तब फॉरगेट एम पिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर एक फिर से आपसे कस्टमर आईडी मांगेगा। यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दें। कस्टमर आईडी डाल के टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ले, प्रोसीड कर दे, फिर ओटीपी जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी यहाँ डाल दे 4 डिजिट का, प्रोसीड कर दे, तो फिर आपको सेट एम पिन का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे सेट एम पिन में 4 डिजिट का कोई पिन डाल दे, उसके बाद सेट एम पिन कर दें।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी तरह का प्रॉब्लम तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।